बाबा रामदेव आज पतंजलि ग्रुप की 5 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर की योजना का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि मेडिसिन के अलावा पतंजलि लाइफस्टाइल के आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि फूड्स अभी एकमात्र शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की आय को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसका क्रेडिट रामदेव को मिला। 2017 की राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारों के साथ लैंड डील में पतंजलि को 336 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। पतंजलि ने करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें कंपनी के रेवेन्यू में तेजी से इजाफा हुआ। 2013-14 में कंपनी का मुनाफा 1184 करोड़ था, जो 2020-21 में बढ़कर 26400 करोड़ रुपए पहुंच गया। बिजनेस डेस्क, ईएमएस शिवी।